Hello, my dear student of class 11 science. Today we discuss the concept and questions of the chapter sequence and series. Sequence and series में कुछ concept question हमने कल भी discuss किए थे, कुछ आज करते हैं. इसमें arithmetic progression वही है जो class 10th में आपने पढ़ा था, केवल उससे कुछ hard question यहाँ पे दिए हुए हैं. उसके बाद कल पढ़ा था आपने एक नया कंसेप्ट जीपी, और जीपी में आपको मैंने ये बताया था कि क्या डिफरेंस है जीपी में और एपी में. एपी में कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, वो बार बार ऐड होता है और हमें नए टर्म्स मिलती रहती हैं. जबकि यदि हम बात करें जीपी में, तो जीपी में वो डिफरेंस जो वहां पे ऐड हो रहा था एपी के अंदर, जीपी में वो बार बार मल्टीप्लाई होता रहता है. जैसे 2 में मल्टीप्लाई किया आपने 4 से, मिला आपको 8, फिर मल्टीप्लाई 4 से, फिर 32, ऐसे आप करते जाएंगे बार बार मल्टीप्लाई 4 से, तो आपको जीपी मिलती चली जाएगी. तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान रखना है कि जीपी एक ऐसा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है वो एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन टर्म बार बार मल्टीप्लाई होती है और हमें नई नई टर्म मिलती जाती है. ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है. जीपी में जब हमें कोई टर्म निकालनी होती है, मींस हमें nth टर्म निकालनी होती है, तो फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन. ये फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन. यदि आपको जीपी में सब निकालना पड़ जाए n टर्म्स का, मींस sn, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है कि sn इक्वल्स टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. बेसिकली जीपी में सब निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं जो डिपेंड करते हैं r की वैल्यू पे, कि r की वैल्यू 1 से कम है या फिर r की वैल्यू 1 से ज्यादा है. r मींस कॉमन रेशियो, ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखें कि हमें चेक करना पड़ता है कि कॉमन रेशियो r की वैल्यू किस कैटेगरी में है, वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, ये हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है. तो ये बात आप ध्यान रखें जब भी आप जीपी में चलें, तो ये चेक कर लें कि कॉमन रेशियो मींस स्मॉल r की वैल्यू किस कैटेगरी में है, वो अपने आप में लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, ये आप चेक करते रहें, ठीक है. उसके बाद में अभी हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे. जैसे यदि वो आपसे बोलते हैं कि भाई फोर्थ टर्म 16 है, फिफ्थ टर्म 30 है, वो कहेंगे आपसे कि भाई फोर्थ टर्म, मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ एपी की, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं अभी सिर्फ एपी की रिगार्डिंग, फिर करूंगा जीपी के रिगार्डिंग. तो वो कहेंगे आपसे कि भाई एपी में फोर्थ टर्म 16 है और इसको कर लीजिए आप 8th टर्म. फोर्थ टर्म 16 है, 8th टर्म 32 है, तो बताओ वो एपी क्या है. वो पूछेंगे आपसे ये भी बताइए कि एपी क्या है. तो हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जिस टर्म की आप बात करेंगे उस टर्म से एक कम होता है डी. यदि फोर्थ टर्म लेके चल रहे हो तो 3d होंगे, फिफ्थ लेके चल रहे हो तो 4d होंगे, सिक्स्थ लेके चल रहे हो तो 5d होंगे. कहने का मतलब यह है कि डी जो होता है वो एक कम होता है, ठीक है. तो इस तरह से ए प्लस 3d मेरे पास में आ गया 16, क्लियर. चलिए आगे, ये बन गई मेरे पास में पहली इक्वेशन. अब चलते हैं दूसरी पे, 8th टर्म. 8th टर्म कितना है, 32, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस 7d इक्वल टू 32.
तो इस तरह से हमने उनकी लैंग्वेज से बनाई दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी में, जो आप देख रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम कर देंगे इनको सब्ट्रैक्ट। माइनस 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 ए से ए कट जाएगा, 3D में जाएगा 7D, तो मेरे पास बचेगा -4D = 2। ये मेरे पास में आ जाएगा -16, तो डी की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी 4। तो इस तरह से मेरे पास में जो डी की वैल्यू है वो आ चुकी है 4। मुझे अभी ए का और इंतजार है, क्योंकि ये जब तक मेरे पास में स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू, स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं होगी, तब तक मैं एपी को नहीं बना सकता, क्योंकि एपी बनती है स्मॉल ए और स्मॉल डी दोनों से। एपी का फॉर्मूला होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस तरह से एपी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए आगे। तो डी मेरे पास में आ चुका है इस वक्त 4। तो जब डी आ चुका है मेरे पास में 4, अभी हमें ए और निकालना पड़ेगा। तो डी की वैल्यू 4 को आप रख दीजिए फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ये आ जाएगा a + 3 × 4 = 16। So, a = 16 - 12 = 4। तो इस तरह से मेरे पास a और d दोनों सेम आ गए 4 4। अब हम बात कर लेते हैं ap की। ap होती है a + b, a + d, a + 3d, a + 4d and so on। इस तरह से ap बनती है। तो स्मॉल a 4 है, तो रखो जरा 4 को आप, 4 4 + 4 4 + 2 × 4 4 + 3 × 4 4 + 4 × 4 and so on। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 4 4 8 4 2 8 और 4 12 then 16 then 20। तो इस तरह से एपी बननी शुरू हो गई, जिसकी फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 12 है और फोर्थ टर्म 16 है, इस तरह से। ठीक है, यानी कि मेरे पास में एपी आ गई। तो हम लिख सकते हैं सो एपी इज 4 8 12 16 20 24 and so on। तो इस तरह से ये मेरे पास में एपी आ गई। चलिए आगे सुनना ध्यान से आप सभी को। अब आपसे वो कहेंगे कि भाई ये जो आप एपी देख रहे हो 4 8 12 16 20 24, इस एपी की 20 टर्म्स का सम निकालिए। तो जब किसी एपी की 20 टर्म्स 30 टर्म्स 50 टर्म्स का सम निकालना होता है, तो एपी में सम निकालने के लिए फॉर्मूला अलग है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला इस तरह से है कि SN = n/2 2a + n - 1 × d। ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी एपी में सम निकालने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर्मूला है SN = n/2 2a + n - 1 × d। इसमें जो n हम यहां पे देख रहे हैं, ये n वो है जितने टर्म्स को हमें ऐड करना है। n इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच वी वांट टू ऐड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये जो स्मॉल a देख रहे हो, स्मॉल a मेरे पास में आ गया 4, डिफरेंस d, d मेरे पास में आ गया 4। तो
मुझे यहां पे ऐड करनी है इसकी 30 टर्म्स, तो n आ जाएगा 30, क्योंकि मुझे निकालना है s 30, ठीक है, मुझे निकालना है s 30, तो s 30 निकालने के लिए n आ गया 30। चलिए आगे, उसके बाद 80 में से आप निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म वो मेरे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस d वो मेरे पास में 4 है, तो इस तरह से मेरे पास में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो जब मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है उसको आप पुट कर दीजिए यहां पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास में s 30 प्लस 2 30 अपॉन 2 2 a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी डी 4। चलिए 15 2 4 जा 8 29 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 15 8 प्लस 29 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 124, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एपी में कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे एन वो नंबर है, वो टर्म्स का नंबर है जितनी टर्म्स को आपको ऐड करना है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स विच यू वांट टू ऐड, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो इस तरह से मैंने यहां पे इजिली एस 30 यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स को निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब मान लो इस एपी में जो आप एपी देख रहे हैं ऊपर 4, 8, 12, 16, 20, 24, मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई इस एपी में आप निकालिए 15th टर्म, आपको ऐसे बोल दिया कि भाई एपी में निकालिए आप 15th टर्म, तो उस एपी में आप कैसे निकालेंगे 15th टर्म वो समझते हैं। देखो कोई भी एपी हो उसमें कोई भी टर्म आपको निकालनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जनरल टर्म, उसमें एक फॉर्मूला है जनरल टर्म, फॉर्मूला होता है इसके लिए कि a इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वो फॉर्मूला है जनरल टर्म का जिससे आप किसी भी एपी में कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होती। चलिए अब मान लो मुझे निकालनी है इस एपी में 15th टर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन हो जाएगा 15, फर्स्ट टर्म वो हो गई 4, कॉमन डिफरेंस डी ए टू माइनस ए वन वो हो जाएगा 8 माइनस 4 4। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा a 15 इक्वल्स टू a फर्स्ट टर्म 4 n 15 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 4, तो 4 प्लस 60 मेरे पास हो जाएगा 40 इंटू 4, सो 4 प्लस 56 इट मीन्स 60। तो भाई 15th टर्म जो होगी उसकी वैल्यू आ गई 60। तो इस तरह से आप किसी भी एपी के अंदर कोई भी टर्म इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको और भी देंगे इस तरह के, मैं लेके चलता हूं, आइए जरा।
वो आपको कहेंगे भाई सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एटी वो कहेंगे आपसे सम ऑफ थ्री टर्म्स इन अ एपी आर 24 एपी के अंदर ऐसी तीन टर्म हैं जिनको हम जब सम करते हैं तो मिलता है 24 और जब मल्टीप्लाई करते हैं उनको मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री टर्म्स जब सम करते हैं तो सम मिलता है 24 ऐसा वो कहेंगे आपसे और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई उनकी आती है 384 आपसे वो कहेंगे कि भाई जब हम तीन टर्म एपी की ऐड करते हैं तो मिलता है 24 और जब उसी एपी की हम उन तीन टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 384 तो पूछेंगे आपसे बताओ वो तीन टर्म कौन कौन सी हैं ये पूछेंगे आपसे तो हम क्या करेंगे आपको मैंने बताया भी था कि जब एपी में थ्री टर्म्स लेनी पड़ती हैं एज्यूम करनी पड़ती हैं तो उनको हम मान लेते हैं ए माइनस डी कोमा ए कोमा ए प्लस डी जब एपी की बात चलती है थ्री टर्म्स के रिगार्डिंग तो मानते हैं हम हमेशा ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी और जब जीपी की बात चलती है और तीन टर्म लेनी पड़ती हैं जीपी में तो उनको हम लेते हैं ए अपॉन आर कोमा ए आर ठीक है तो ध्यान रहे a माइनस डी कोमा ए प्लस डी ये तीन हम लेके चलेंगे एपी के अंदर a अपॉन आर कोमा ए आर ये लेके चलेंगे हम जीपी के अंदर तो ध्यान रहे एपी और जीपी जब तीन टर्म लेनी पड़ती है एपी के अंदर वो ये है जब तीन टर्म लेनी पड़ती है जीपी के अंदर वो ये है ठीक है तो आई जरा क्वेश्चन पे मैं मान लेता हूं लेट दी थ्री टर्म्स इन एपी आर ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी मान लीजिए कि एपी के अंदर वो तीन टर्म ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को यूज करो सम ऑफ थ्री टर्म्स ठीक है तो इनको फटाफट ऐड कर दो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 24 डी से डी कट हो जाएगा मेरे पास बचेगा 3a इक्वल्स टू 24 दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 8 तो जब मेरे पास में a आ चुका है 8 अब मैं चलूंगा सेकंड कंडीशन की तरफ सेकंड वो ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री टर्म्स 384 जब तीन टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि a माइनस डी इंटू ए इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 384 इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल्स टू 384 अब इसके बाद यहां पे आप वैल्यू पुट कर दे ए की वैल्यू ऑफ ए इज 8 तो रखिए जरा सो वैल्यू ऑफ ए इज 8 माइनस बी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल्स टू 384
अब 8 से कट आउट हो जाएगा 384, तो ये बनेगा 84 जा 83 जा। सो वी हैव, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, तो इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ 8 माइनस स्क्वायर ऑफ डी इक्वल्स टू 48, स्क्वायर ऑफ 864 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 48, सो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 48 माइनस 64, सो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 4, सो डी इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से ए मेरे पास में आ चुका है 8 और डी मेरे पास में आ चुका है 4। अब मैं एपी की वो तीन टर्म इजिली फाइंड आउट कर सकता हूं, तो आइए जरा वो तीन टर्म ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी है। ए माइनस डी, ए मेरे पास में 8 है, डी मेरे पास 4 है, ए मेरे पास 8 है। ए प्लस डी, ए मेरे पास 8 है, डी मेरे पास 4 है, मीन्स 12। तो इस तरह से आपने भी देख लिया कि थ्री टर्म्स ऑफ द एपी जिनकी बात चल रही थी वो आ चुकी हैं 4, 8, 12। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जब भी थ्री टर्म एज्यूम करने की बात आए तो आप एज्यूम करेंगे हमेशा a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, यदि जीपी में एज्यूम करनी पड़ जाए तो वहां पे आप एज्यूम करेंगे a अपॉन r कोमा a कोमा ए आर। ठीक है, तो इस तरह से आज आप इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो शेयर करेंगे आप मेरे साथ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलिए अब क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन ये है कि आपको एस एन दे दिया जाए,
आपसे एपी बनाने को कहा जाए तो एस एन से कैसे बनाएंगे एपी? एक फॉर्मूला होता है एस एन से ए एन निकालने का, क्योंकि यदि हमारे पास ए एन है, जैसे यदि मेरे पास ए एन इस तरह से है कि 5 + 4n, तो मैं एन को यहां रखूंगा 1 तो आएगा ए वन यानी कि फर्स्ट टर्म, एन रखूंगा 2 सेकेंड टर्म, एन 3 थर्ड टर्म, एन 4 फोर्थ टर्म, एन 5 फिफ्थ टर्म। तो इस तरह से हम टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एस एन से ए एन निकालिए और ए एन से ए पी बना लीजिए। कैसे? एन को रखते जाइए, 1 2 3 4 5 टर्म्स मिलते चले जाएंगे आपको ए पी की। तो एस एन से कैसे मिलेगा आपको ए एन, वो देखिए आप एक फॉर्मूला। ए एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि SN - SN - 1। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। आइए जरा, मान लीजिए एस एन की वैल्यू n² + 5n है, ठीक है। मान लीजिए एस एन की वैल्यू ये है और मुझे ए एन निकालना है, तो पहले मैं निकालूंगा एस एन से एस एन माइनस वन। कैसे? रिप्लेस कर दूंगा दोनों तरफ एन को एन माइनस वन से, तो 5 × n - 1। इसको ओपन कर दीजिए, a² + b - 2ab + 5n - 5। और सिंप्लीफाई करें, n² + 3n - 4। तो इस तरह से मेरे पास एस एन और SN - 1 दोनों है, एस एन भी है एस एन माइनस वन भी है। तो इन दोनों को आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन के अंदर। तो आइए जरा, an = SN - SN - 1। तो रखिए एस एन की वैल्यू यानी कि n² + 5n, फिर रखिए आप इसकी वैल्यू तो वो है n² + 3n - 4। n² से n² कट जाएगा, 5n - 3n रिजल्ट इज 2n + 4। तो इस तरह से ए एन की वैल्यू आ गई 2n + 4। अब n को रखिए आप 1 तो मिलेगा a₁ means 2 × 1 + 4 = 6। एन को रखिए आप 2 तो 2 × 2 = 4 = 8। एन को रखिए 3 तो मिलेगा 2 × 3 + 4 यानी कि 10। तो इस तरह से ए पी बन जाएगी 6, 8, 10, 12, 14 and so on। तो इस तरह से जब आपको एस एन दिया हुआ हो, एस एन दिया है क्वेश्चन में, गिवन है, तो वहां से आप ए एन इजिली निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है an = SN - SN - 1। एस एन माइनस वन कैसे निकालेंगे? जो एस एन दिया हुआ है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में एन को रिप्लेस कर दो एन माइनस वन से, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी एस एन माइनस वन की। तो इस तरह से आप इजिली किसी भी एपी को बना सकते हैं जब एस एन दिया हुआ हो। एस एन से निकालो एस एन माइनस वन और वहां से निकालो आप ए एन की वैल्यू। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है कि एन टर्म के सम में से माइनस कर दीजिए एन माइनस वन टर्म का सम। तो an = SN - SN - 1। इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, an मींस जनरल टर्म ऑफ द एपी को निकालिए। जब जनरल टर्म ऑफ एपी आपको an मिल जाएगा, जैसे कि an अभी आया है 2n + 4, तो उसमें आप n को रखो 1 2 3 4 और टर्म निकालते हुए चले जाओ।
ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो एपी बनकर के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजिली एपी निकाल सकते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज आप ये चैप्टर फिनिश करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। ध्यान रहे, एग्जाम्पल जरूर करें, एग्जाम्पल्स को ना छोड़ के चले, क्योंकि कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल भी आते हैं। तो इस तरह से नोटबुक को मेंटेन करें, क्योंकि एग्जाम के बाद नोटबुक को चेक करना है। ठीक है, तो अपना जो वर्क है उसको टाइम से पूरा करें। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें टीचर्स के साथ में, उनको व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, फोटो खींच करके उनको फोटो भेजें, जो भी प्रॉब्लम है, व्हाट एवर इट मे बी। सो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद द टीचर, सब्जेक्ट टीचर, एंड फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन। क्लियर? तो इस तरह से बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप यहां तक अपना टास्क फिनिश करेंगे।